हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करने के साथ साथ इसको एग्जाम से पहले अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इसके कुछ सामान्य निर्देश के बारे में बता देता हूं, उसके बाद जो है क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार भी आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा में जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न में जो है चार चार विकल्प आप लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें कि केवल एक उत्तर जो आपका सही होगा उसको जो है मार्कशीट पर गोले को काला करके जो है सही उत्तर को जो है अंकित करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को जो है यह निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं कि आपकी जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में दिया गया है कि त्वरण का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। तो दोस्तों इस यंत्र को हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ओडोमीटर। याद रखेंगे यहाँ पे दूरी तय की जा रही है और यहाँ पे अगर स्पीड तय किया जाता तो वहाँ पे जो है स्पीडोमीटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इसकी दूरी कितनी दूरी वो तय की गई है वो यहाँ पे जो है यंत्र पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सही है, हु वन इज करेक्ट। तो देखिए दोस्तों यह जो है आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल दी गई है और ये चारों फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से जो है वो सही कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग को मैंने पढ़ाया भी था कि वी बराबर यू प्लस ए टी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा और ऑप्शन बी सी और डी ये जो है गलत आंसर है। तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा, इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा, B बराबर U प्लस AT। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को दोस्तों हम लोग कहते हैं संवेग। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका A जो है राइट आंसर हो जाएगा, संवेग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे ऑप्शन दिया गया है साइकिल, कार, बस और रेलगाड़ी। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक जड़त्व पूछा गया है, तो भार में सबसे अधिक कौन होता है, रेलगाड़ी होता है। तो यह जो इसका जड़त्व जो है सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति कौन सा नियम है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा न्यूटन गति के तीन नियम हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और तीनों नियम में जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती है, अलग अलग जो है नियम को प्रदर्शित करता है। लेकिन यह प्रश्न यहां पे पूछा गया है कि प्रत्येक क्रिया के जो समान है वो विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो यह गति कौन सा है। तो दोस्तों यह जो है न्यूटन गति का तीसरा नियम प्रदर्शित कर रहा है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, न्यूटन गति का तीसरा नियम। यहां पर तृतीय दिया गया है, तो ये आपका यहां पे तृतीय है, आपको लगाना है। अगर न्यूटन गति का तीसरा नियम कहता तो वो आपको लगा देना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1/6 गुना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा कि धनुष की जो तनित डोरी है वो एकदम स्थिर है, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, इसमें ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा जो है संचित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर यह कहता कि धनुष की तनित डोरी से किसी तीर को जो है छोड़ा गया है, तो अब बताइए कि तीर की गति क्या होगी। तो देखिए तीर जो है वो गतिज में है, यानी कि गति कर रही है, तो वहां पे गति ऊर्जा हो जाता, लेकिन यहां पे सिर्फ धनुष की जो है तनित डोरी का यहां पे बात किया जा रहा है, तो उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी वस्तु स्थितिज है, यानी स्थित में दम पूरी तरह से जो है स्थिर है, तो उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर वो गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा होगी, और जिससे ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो उसमें ऊष्मा ऊर्जा होगी। ठीक है, तो उसको आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहां पे 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने के दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी वस्तु
का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों उसमें जो है चौथाई हो जाएगी, यानी चौगुनी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वेग जो है दुगुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो दुगुनी हो जाएगी और दुगुनी बढ़ जाएगी, यानी कि चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि 4 times हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि आवर्तक का एसआई मात्रक होता है, तो आवर्तक का एसआई मात्रक हर्ज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से तरंग वेग भी तरंग दैर्ध्य लेमडा तथा आवर्ति एन के बीच सही संबंध है। तो दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूलों को मैंने पहले भी बताया था कि आप इसको रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये 100% पूछे जाएंगे। और इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों यहां पे होता है भी बराबर जो होता है एन इंटू लेमडा होता है। तो यह वाला जो फॉर्मूला कहां पर है, ऑप्शन ए में है, तो यह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, कॉपी में नोट करते जाइए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, तो दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए, गंध, ठंडा, प्रेम और ठंडा पे दिया हुआ है, तो यहां पे पदार्थ की बात कर रही है, तो यहां पे पदार्थ जो होगा वो ठंडा पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है ठंडा पे जो है आपका ये पदार्थ है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में द्रव्य में कौन निश्चित है, तो दोस्तों द्रव्य में जो है वो आयतन निश्चित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है, ये काफ़ी इजी सवाल है और बोर्ड की परीक्षा में इस तरह से सवाल पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा, क्योंकि आप लोगों को सभी को मालूम है कि गर्मी के दिनों में जो है सूती कपड़ा जो है हम सभी के लिए जो है काफ़ी आरामदेह होता है। क्यों होता है, इसका कारण मैं आपको बता दूँ कि ये सूती कपड़ा जो हमारे पसीने का जो है सोख कर जो है अवशोषित कर लेता है और मुझे ठंडक प्रदान करती है, हमें ठंडक प्रदान करती है। इस तरह से आपको मैंने कारण भी बताया, सूती कपड़ा क्यों गर्मी में जो है आरामदेह होता है बता दिया मैंने पूरे डिटेल के साथ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, तो यहां पे क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर, कहता है निम्नलिखित में कौन तत्व है, तो दोस्तों ये ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का तत्व है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर, यहां पे पूछा गया है कि निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन का पहचान करें, तो दोस्तों यहां पे विलयन पूछा गया है, ये मिश्रणों का विलयन है, मिश्रणों में से जो है विलयन यहां पे पूछा गया है, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, समुद्री जल जो है यह एक विलयन की पहचान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा कॉपर सल्फेट का विलयन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर है, कहता है 1.8 ग्राम H2O को अणुओं की संख्या है, तो इसकी आंसर हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6.022×10^22, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से रट लीजिएगा। अगला सवाल है, 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है, यानी कि 5.85 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड है वो किसके बराबर है, कितने मोल के बराबर है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/10 मोल के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्गन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आर्गन जो है ये मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। अगला सवाल है कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो केनाल किरणें जो है वो प्रोटॉन का जो है किरण पुंज है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, किस तत्व यानी किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा, तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर परमाणु द्रव्यमान का यहाँ पे मान पूछा जा रहा है तो आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को ऐड कर देनी है, जोड़ देनी है, तो 18 और 17 को जोड़ते हैं तो होता है 35, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए 24 नंबर तो मैंने बता दिया 35 आंसर होगा, और 25 नंबर इसका आंसर है, क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होगा, तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आत्महत्या का थैला कहलाता है, तो आत्महत्या का थैला को हम लोग लाइसोसोम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस है, तो कोशिका का पावर हाउस को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल है, ट्रैकियस
पाए जाते हैं। तो ट्राइकिडस दोस्तों यह जो है ना पिछले बार भी पूछा गया था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ट्राइकिडस जो है वो जाइलम में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर है, कहता है कि मृदतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मृदतक कोशिकाओं के बीच जो है दोस्तों वो अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 31 नंबर है, पूछा गया है कि पक्षियों और मेंढकों के रक्त की प्रकृति होती है। तो पक्षियों और मेंढकों की रक्त की जो प्रकृति होती है वो दोस्तों शीत होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्तनधारी वर्ग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपमांग नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विषैले उपमांग जो है नहीं पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कछुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निद्रा रोग उत्पन्न करता है, यानी कि निद्रा जो है रोग उत्पन्न करता है, किसके कारण होता है वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से रट लेंगे। अगला सवाल है कि मलेरिया का रोगवाहक है। तो मलेरिया का रोगवाहक तो आप सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा मच्छर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा मच्छर। अगला सवाल है कि ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अतिचारण का संबंध है। तो अतिचारण का संबंध जो है वो मृदा अपरदन से है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। तो पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ जो है वो जैव रसायन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है इसको आप ध्यान से देखें, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जस्ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जस्ता सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला सवाल है कि एक संश्लेषित उर्वरक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बताए गए 40 क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, इन सभी क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।